भोपाल में कमलनाथ की ताजपोशी के दौरान कांग्रेस नेताओं में जो एकजुटता देखी जा रही थी वो वाकई में देखने लायक थी। पीसीसी का माहौल भी पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दिया। ऐसे में नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बाला बच्चन ने एमपी न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए दिखाते हैं आपको। राजधानी भोपाल के पीसीसी भवन यानी कि कांग्रेस दफ्तर में आज नजारा बदला है। कमलनाथ का हाथ कांग्रेस के साथ जुड़ा है, क्या राजधानी का सियासी पारा बढ़ा है? हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री बाला बच्चन जी। बच्चन जी, क्या अब एनालिसिस है, क्या मिशन 2018 के लिए चुनावी बिगुल आपने कमलनाथ जी के नेतृत्व में फेरे दिया? देखिए, आज से आप लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का माहौल और वातावरण पूरी तरह से बन चुका है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो भाजपा की सरकार जो पिछले 15 साल से जो वादा खिलाफी कर रही है, समय आ गया है। लोग पक चुके, तंग और परेशान आ चुके हैं और अब वो समय दूर नहीं है। आज से ये मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन की लहर और वातावरण बनना शुरू हो गया है। और 150 दिन बाद में जो चुनाव है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी और ये जो व्यापम घोटाले वाली सरकार, सिंहस्थ घोटाले वाली सरकार, पौधारोपण में घोटाले वाली सरकार, रेशम घोटाले वाली सरकार और उसके बाद दाल घोटाले वाली सरकार, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने वाली सरकार, 20,000 किसानों की आत्महत्या हो जाने वाली सरकार और मध्य प्रदेश पूरे देश में रेप और गैंग रेप में फर्स्ट नंबर वाला मध्य प्रदेश, इससे कांग्रेस की सरकार आने के बाद निजात मिलेगी, छुट्टी मिलेगी मध्य प्रदेश में 250 दिन बाद। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 250 दिन बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बैठेगी और इससे 10 गुना लोग और मध्य प्रदेश के यहाँ इकट्ठे होंगे। क्या लगता है, आप निमाड़ से आते हैं, निमाड़ में क्या एनालिसिस है, कितनी सीटें आप लेकर आएंगे, कितनी बार प्रभाव छोड़ेंगे आपको कार्यकारी अध्यक्ष? बताना चाहता हूँ 1993 में और 98 में हम लोगों ने 100% जो सीटें जीती थी, अब भी हम निमाड़ में पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे। 10 में से 10 सीट जो आपके निमाड़ में, जिसमें जो लोकसभा खरगोन में ही करीब 8 सीटें हैं, हम 8 सीटें जीतेंगे। धार, झाबुआ, अलीराजपुर और उसके बाद बड़वानी, खरगोन, ये सब लाइन से सीटें हम जीतेंगे। उसके बाद खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, जितने भी रूरल एरियाज़ का है, हम लोगों को काफ़ी अनुभव जानकारी है। पिछले 10 साल से सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता के जो मुद्दों को हम जो उठा रहे हैं और सरकार को सत्ता का सब पूरा ही हरी हरा जो दिख रहा है, सत्ता का जो नशा चढ़ा हुआ है, नवंबर 2018 में साफ हो जाएगा और कांग्रेस बैठ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो गई है पूरी तरह से, आज नया नेतृत्व मिल गया? आपने आज मंच पे देखा होगा और ये हमारे नेताओं ने इस बात का उल्लेख भी किया है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। अगर गुटबाजी होती तो झाबुआ का उपचुनाव हम लोकसभा का नहीं जीतते, हम विवेक तनखा जी का चुनाव नहीं जीतते, कोलारस मुंगावली का और उसके बाद मैयर का और एक और जो सीट थी, जो विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, जीतों का चौका हम नहीं मारते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं ज़रूरत होती, कांग्रेस एक है, निष्ठा और ताकत के साथ और क्षमता के साथ लड़ती है। ऐसे ही नवंबर 2018 का जो चुनाव है, मेन चुनाव, दम से, ताकत से, निष्ठा से और एकता के साथ हम लड़ेंगे और ये भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बाला बच्चन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उपचुनाव के बाद अब वो मुख्य चुनाव में भी जीत दर्ज कराएगी। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, भोपाल।